everyone, I welcome you all at ASTA Prakash Defense Academy. Student, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं या इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको आपको शुरुआत से ही याद रखनी होगी. मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में रिटन के साथ साथ आपका फिजिकल भी होता है, आपका जीडी भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, मेडिकल भी होता है एंड फाइनल मेरिट के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है. तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिटन के लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, रिटन एग्जाम बिना किसी कोचिंग के भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है फाइनल मेरिट की तो वो उस फाइनल मेरिट को नहीं निकाल पाते. उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या है. उसका रीजन ये है कि जो बच्चे हैं वो फिजिकल को बहुत ही लाइटली लेते हैं, वो फिजिकल की और जीडी इंटरव्यू की तैयारी तब करते हैं जब उनका रिटन का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, देन उसके बाद वो अपनी फिजिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. लेकिन आपको अगर अपनी मेरिट में नाम चाहिए है तो आपको शुरुआत से ही आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल की भी ट्रेनिंग करनी होगी और उतना ही ज्यादा फिजिकल पे और जीडी पे इंटरव्यू पे फोकस करना होगा जितना आप रिटन पर फोकस करते हैं, तभी आपकी फाइनल मेरिट निकलेगी वरना नहीं निकलेगी. तो स्टूडेंट, हमारे पास भी कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका रिटेन तो क्वालिफाई हो जाता है लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आता. तो इसीलिए आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस में हम बच्चों को सभी चीजों की तैयारी कराते हैं, रिटेन के साथ साथ फिजिकल की ट्रेनिंग देते हैं, जीडी की तैयारी कराते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, सभी पैरामीटर्स के लिए जो कि सिलेक्शन के लिए जरूरी है हम उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर तैयारी कराते हैं. अब आप कहेंगे कि मेडिकल के लिए कौन सी तैयारी होती है, मेडिकल के लिए क्या तैयारी हम करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी बातें होती है मेडिकल में जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप एग्जाम में मेडिकल देने जाते हैं और हम उन सारी बातों को आपको बताते हैं, आपका प्री मेडिकल चेकअप करते हैं, आपके सारे डिफेक्ट आपको पहले से बताते हैं, आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है हम उस चीज के बारे में आपको बताते हैं, आपकी अगर नॉकनी प्रॉब्लम है या कोई और डिफेक्ट है जो कि इन सर्विसेज के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, उन सभी डिफेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं और अगर उन डिफेक्ट्स को अगर हम ठीक कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू तो हम उस पर भी काम करते हैं. सो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जो कि आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल की ट्रेनिंग दे, जो कि आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद सेल्फ स्टडी भी कराए, तो एक बार आप आस्था एजुकेशन में आकर के देखिए कि हम यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को सेल्फ स्टडी कराते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पर डिसिप्लिन सिखाते हैं, कितना अच्छा रूटीन हम स्टूडेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ एक अच्छे एनवायरमेंट और अच्छे रूटीन के कारण, अच्छी फैकल्टी के कारण, अच्छी ट्रेनिंग के कारण हमारे यहाँ से इतने सारे सिलेक्शन हर साल होते हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.